वेलकम टू अवर चैनल इंडियन स्विम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बिगनर्स पुशअप कैसे स्टार्ट करें। तो बिगनर्स के लिए क्या होता है कि उनकी आर्म्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी कम होती है, तो आसानी से सबके लिए इजी नहीं है कि सीधा स्ट्रेट पुशअप कर लें। हमें स्टार्ट कैसे करना है, स्टार्टिंग में हम नी बैंड से स्टार्ट करेंगे। नीज को डाउन करें ऐसे। की शुरुआत के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है नी बेंड करने के बाद आपको प्लैंक पोजीशन में आना है। एग्जैक्ट आपके शोल्डर की लाइन में आपके रिस्ट होनी चाहिए सीधा और बॉडी आपकी सीधी होगी, हिप हल्का सा डाउन होंगे और बॉडी स्ट्रीमलाइन पोजीशन में होगी। इसके बाद आपको एल्बोज को अपनी बॉडी की ओर पीछे की ओर लेकर जाना है और नीचे ऐसे लेट जाना है, पूरा लेट जाइए, छोड़ दीजिए बॉडी को। उसके बाद एक सेकंड रेस्ट करने के बाद आप बॉडी को फिर से ऊपर ऐसे लिफ्ट करें। उसके बाद सेकंड सेम नीचे जाएं धीरे धीरे और अगेन बॉडी को थोड़ा रेस्ट के बाद लिफ्ट करें। जब आप इजीली 10 टू 20 रेप्स निकालने लगे तब आपको सेकंड स्टेप पर आना है। सेकंड स्टेप में आपको करना क्या है, सेम वही पोजिशन है, इसमें बस डिफरेंस इतना है कि आपको बॉडी को नीचे छोड़ना नहीं है, सिर्फ टच कराना है चिन को और लिफ्ट करना है। चिन को ऐसे सामने की ओर टच कराना है और वहीं से बॉडी को लिफ्ट करना है, आपको नीचे छोड़ना नहीं है इस बार बॉडी को। चिन को नीचे टच कराइए और लिफ्ट कीजिए। जब इस एक्सरसाइज के आप इजीली 20 रेप निकालने लगे उसके बाद ही आप थर्ड स्टेप पर आएं, जल्दी ना करें। क्योंकि होता क्या है, जल्दी के चक्कर में हम अपने पोस्चर को ख़राब कर लेते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा थर्ड स्टेप में हमें करना क्या है कि आपको सेम प्लैंक पोजीशन में रहना है और इस बार नीज़ को लिफ्ट करना है, ऊपर स्ट्रेट रखना है लेग्स को, दोनों पैर मिले होंगे इसमें थर्ड स्टेप में। और उसके बाद आपको सीधा फॉरवर्ड बैंड होना है, ऐसे आगे टच करना है चिन को और ऊपर जाना है। जब इस एक्सरसाइज के आप इजीली 10 टू 12 रेप करने लगे तो उसके बाद आप इसके वेरिएशन कर सकते हैं, अलग अलग तरह के पुशअप आप इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास सेकंड ऑप्शन है एक्सटेंशन बैंड के साथ। इसके साथ क्या होता है कि हमारी जो बॉडी का वेट है वो आधा वेट लगभग ये कैरी कर लेती है और हाफ ही वेट बचता है जो हमारे आर्म्स के ऊपर पड़ता है, जिसे हम इजीली पुशअप निकाल सकते हैं। तो इसे आप यूज़ कैसे करना है, ऐसे आप हैंग कर लीजिए ऊपर जैसे मैंने हैंग किया है, उसके बाद ओपन कीजिए जैसे हमने चिन अप्स में किया था सेम, नीचे लेकर आइए, अपनी बेल्ट के ऊपर रखना है आपको, इसे बेल्ट के ऊपर सीधा ऐसे रखिए वेस्ट के ऊपर और उसके बाद फॉरवर्ड साइड बैंड हो जाइए। ऐसे बैंड होने के बाद सीधे होंगे, इसमें आप स्टार्टिंग से ही फुल पुशअप कर सकते हैं, आप लेग स्ट्रेट कर स्टार्टिंग से ही पुशअप कर सकते हैं। इसमें आपको नी बेंड कर स्टार्ट करने की जरूरत कोर के ऊपर है। अब आपको नीचे जाना है, इसमें बॉडी पोस्चर के गलत होने के चांस खत्म हो जाते हैं और इंजरी से हम बच जाते हैं। ऐसे आप अगर आप पुशअप करेंगे तो स्टार्टिंग में आप लगभग 20 पुशअप निकाल पाएंगे, धीरे धीरे उसे आप इंक्रीज करें। जब आप 50 पुशअप करने लगेंगे, जब आपके 50 रैप हो जाएंगे तो उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप एक्सटेंशन बैंड हटा देंगे तब भी आप इजीली पुशअप कर पाएंगे। तब तक आपके आर्म्स की जो स्ट्रेंथ है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ है, वो बढ़ चुकी होगी। निकालने के लिए आप ऐसे खड़े हो जाएं, उसके बाद से आगे से पुश कर। अगर हमारी आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फिटनेस और स्विमिंग से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलती रहें। Thank you for watching.